बिलासपुर जिला का रतनपुर, जहां का माहौल इन दिनों बेहद गर्म हो चुकी है। विभिन्न राजनीतिक और हिंदूवादी संगठन मैदान पर उतर चुके हैं। दरअसल एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने युवती की मां पर ही काउंटर केस दर्ज कर उसे जेल में डाल दी, जिसके बाद युवक को भी जेल हुआ। आरोपी युवक के जेल जाने के बाद उसके रिश्तेदार और कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस के साथ खेल खेली, पुलिस को अपने पक्ष में मिलाया। काउंटर केस विधवा महिला पर दर्ज की और महिला को जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, शपथ पत्र भी बनाए गए। नगर पालिका के पार्षदों ने भी उसका चरित्र प्रमाण बना कर दिया ताकि आरोपी युवक को जमानत मिल सके, किंतु कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी जब नहीं मिली तो पुलिस के साथ मिलकर काउंटर केस बनाया गया। पीड़ित युवती की विधवा मां को जेल में डाल दी गई। यही वजह है मामले की जब न्यायिक जांच की मांग अब उठने लगी है। पूरा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है और माहौल बेहद गरमाया हुआ है। दुष्कर्म पीड़िता की मां पर काउंटर केस दर्ज कर उसे जेल भेजने की आग सुलगती जा रही है। रविवार को सामाजिक संगठनों के साथ विश्व हिंदू परिषद और व्यापारियों ने रतनपुर बंद कर दिया। इस दौरान रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किए गए। रतनपुर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आरोपी आफ्ताब मोहम्मद के जेल जाने के बाद उसके परिजनों ने समझौता करने युवती और उसकी मां पर बेहद दबाव बनाया था। इस दौरान उन्हें प्रलोभन भी दिए गए। बताया जा रहा है कि जब उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दी तब युवती और उसकी मां को डराया धमकाया गया, फिर युवती से शपथ पत्र बनवा लिया। मार्च 2023 में बने इस शपथ पत्र में युवती की ओर से लिखा गया है कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है और वह अपने परिवार के दबाव में आकर थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वह विरोध नहीं करेगी। यह भी कहा गया है आरोपी ने उसके साथ किसी तरह का शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया है, लेकिन इस शपथ पत्र के बाद भी आरोपी को जमानत नहीं मिली। बताया जा रहा है शपथ पत्र का बाकायदा वीडियो बनाया गया। इसमें वीडियो किसी होटल के जगह पर बनाई गई है। इधर युवती का कहना है उसे डरा धमकाकर शपथ पत्र लिखवाया गया था, वह इसके लिए राजी नहीं थी और उसमें लिखे सारे तथ्य गलत हैं। केस दर्ज होने के बाद आरोपी ने दबाव डालकर एक चिट्ठी भी लिखवाई थी जिसमें युवक और युवती का हस्ताक्षर है। इसमें युवती की ओर से लिखा गया है वह दुष्कर्म के आरोपी को अपना भाई मानती है। युवक ने भी इस चिट्ठी में लिखा है वह उसे आज से अपनी बहन मानेगा और उसके साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। यह चिट्ठी में भी युवती से दबाव पूर्व हस्ताक्षर कराए गए। बताया जा रहा है दुष्कर्म के आरोपी आफ्ताब मोहम्मद को बचाने के लिए उसके चाचा और भाजपा नेता नगर पालिका के पार्षदों से एक पत्र बनवाया है जिसमें 10 पार्षदों ने हस्ताक्षर की है। सभी ने आरोपी को सज्जन और सीधा साधा बताया है। नगर पालिका के पार्षदों ने इस तरह से उसका चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया, जबकि पुलिस ने ही दुष्कर्म पीड़िता को सड़क से उठाया था। पीड़िता के मां पर आरोपी पक्ष के 10 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप है। इस मामले में उसे जेल भेज दी गई है, लेकिन इस काउंटर केस की पुलिस ने हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस कहना है जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक बच्चे के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। इससे स्पष्ट है पीड़ित बच्चे के बयान के आधार पर केस दर्ज की और गिरफ्तारी किया। घटना की सच्चाई जानने पुलिस ने ना तो CCTV फुटेज की जांच की, न ही आसपास के लोगों से पूछताछ किया और न ही उस दुकान से पता किया जहां से महिला ने चॉकलेट खरीदने का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें बेहद चौंकाने वाली मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस से मिलकर इस केस को नया रंग देने की कोशिश की गई है। अब हिंदूवादी संगठन, ब्राह्मण समाज इस पूरे मामले को लेकर के बैठक किए हैं और अब SP और कलेक्टर के पास शिकायत करने, ज्ञापन सौंपने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। इसी के मद्देनज़र पुलिस ने अब जगह जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि रतनपुर क्षेत्र का माहौल किसी दुर्घटना या किसी बलवा जैसे घटना में तब्दील ना हो।
मेरे को सबका साथ चाहिए, आप लोगों का सबका समर्थन, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, हम लोग अकेले है, मेरी माँ भी तो है और कोई नहीं है हम लोग को। 2 महीने पहले एक केस चल रहा था जिसमें मेरे साथ गलत किया गया था, मेरे साथ मारपीट किया गया था, बहुत मानसिक प्रताड़ना किया गया था, तो मम्मी मेरा साथ दी, केस करवाई, और जो मेरे साथ गलत किया था जो आदमी उसको जेल करवाई मेरी मम्मी। तो 3 महीने से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे कि आप पैसा ले लो, कॉम्प्रो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना करवा रहे थे। हम लोग कॉम्प्रो करने के लिए एग्री नहीं हुए, तो आज मेरी मम्मी को झूठा केस बना के उसको जेल के अंदर बंद करवा दिए हैं ताकि मैं केस वापस ले लूँ। अभी जो नया टी आया है वो 1.5 महीने पहले चेंज हुआ है, और वो जानबूझ के ये सब करके हम लोगों को फंसाया गया है। सब एक साथ मिले हुए हैं, पुलिस और सब, इसके घर वाले सब लोग, और जानबूझ के मेरी मम्मी को फंसाया गया है।